हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज आम करवा बायोलॉजी क्वेश्चन। बायोलॉजी रे किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा सह जे कि आमर पार्ट वन रो तो प्रथम क्वेश्चन कौन कौन देखीजा एटा वन वन लिनियर बेस क्वेश्चन रो द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कौन कह कहो बायोलॉजी 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 क्या नहीं गठित ना प्लांट एंड एनिमल्स को नहीं गठित। तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी फादर किए अरिस्टोटल अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय बायोलॉजी जो टर्म डाउ के दे ना सर लार्म एंड ट्रिविनियस। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ना स्टडी ऑफ प्लांट प्लांटर जो अध्ययन करुवाक कौन कहुए ना बोटानी। हु इज द फादर ऑफ बोटानी बोटानी फादर किए ना थियोरोफेरेस्टस इज द फादर ऑफ बोटानी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ना एनिमल अध्ययन पशुर जो अध्ययन करुवा कौन कह जाए ना जुअलोजी। एंड हु इज द फादर अफ जुअलोजी जुअलोजी फादर होती आरिस्टोटल किए ना आरिस्टोटल इज द फादर अफ जुअलोजी। द स्टडी अफ सेल इज कल्ड साइटोलोजी ना कोषर जो ये अध्ययन को आम साइटोलोजी भी कही था जान कौन द स्टडी अफ सेल इज कल्ड साइटोलोजी। द लंगेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी लंगेस्ट सेल हूँ नर्व सेल नर्व सेल को आम लंगेस्ट सेल बोली कही था। एंड द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल हूँ फीमेल ओव्यूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म